हेलो गाइस, दिस इज अभिजीत चौधरी द फिशी जोन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सो गाइस, ये सारे हमारे टैंक सेटअप है टेरेस के ऊपर, मेरा छोटा सा मिनी फिश फार्म है। तो आज मैं इन सब का अपडेट भी देने वाला हूँ और साथ में बताने वाला हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया, कितना प्राइजिंग लगा और मैंने जितने भी चीज़ें बना रखी सब कहाँ से लाया हूँ। बहुत सारे लोग भाई लोग पूछते हैं कि भाई कितने पैसे में बने और कहाँ से ये सब मिलेगा। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, ये हमारा जैपनीज कोई कार फिश फार्म है, देख सकते हो इसमें वाटर लिली भी खिला हुआ है। ये रात के टाइम पे खिल जाता है एंड जैसे सुबह सूरज निकलने वाला होता है तो तुरंत धीरे धीरे बंद हो जाता है ये, और ये धीरे धीरे अभी बंद ही हो रहा है। और बाकी इसमें तुम लोग देख सकते हो हमारे जैपनीज कोई कार्प कितने बड़े बड़े फिश हैं इसके अंदर। तो इसको मैंने पूरा कैसे बनाया अभी बताने वाला हूँ पूरा, तो वीडियो का एंड तक देखना। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये हमारा छोटा सा एक फिश पॉन्ड है, टब में बनाया हुआ है, काफी सुंदर सा है और काफी ठीक है। इसमें अगर तुम लोग ब्रीडिंग कराना चाहते हो, मौली फिश हो गया, गप्पी फिश या प्लेटी फिश, बेटा फिश भी ऐसा कुछ बना सकते हो, और ब्रीडिंग नहीं कराना चाहते हो तो ऐसा कुछ नेचुरल सा सेटअप बना के रख सकते हो अपने बालकनी या टेरेस पर, काफी सुंदर सा लग रहा दिख रहा होगा तुम लोग को। और गाइस, ये मैंने बना रखा है प्लास्टिक के टब में और इसका प्राइस है बस 100 रुपए। बाकी सब प्लांट में वाइल्ड में से अपने यहाँ के लोकल रिवर से लेके आया था, देख सकते हो ये पूरा फ्रॉग ब्रीड है जो कि पूरा भर गया है। बाकी ये प्लांट है इसके अंदर और काफ़ी सारे प्लांट है, देख सकते हो ये हॉर्न पर दिख रहा है तो पूरा ऐसा कवर किया एकदम नेचुरली है। तो ये जस्ट 100 रुपये बन चुका है और इसमें कोई भी फिल्टर और एयर पंप नहीं लगा है। अगर फिश भी मैं डालूँ तो भी आराम से सरवाइव कर सकती है क्योंकि प्लांट्स पूरा ऑक्सीजन बना देता है। बट गाइस, ये फिश पॉन्ड गोल्ड फिशेस के लिए इतना सूटेबल नहीं है, बिकॉज गोल्ड फिशेस जो होती है ना वो प्लांट्स को खा जाती हैं और ये तो फ्रॉग बीट है तो इसको आराम से खा जाएंगी, तो इसमें गोल्ड फिशेस के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर इसमें गप्पी फिश या मौली फिश जितने भी छोटे वाले फिशेस होते हैं वो सब डाल दोगे तो आराम से इसमें सर्वाइव कर पाएंगी। इसके ठीक बगल में गाइस, ये हमारा ड्रम फिश पॉन्ड देख सकते हो, मैंने इसके अंदर लोटस लगा रखा है, काफ़ी अच्छे से पूरा लोटस प्लांट भरा हुआ है। एंड इसके अंदर मैंने मौली फिशेस रखे हुए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी एडल्ट साइज की मौली फिशेस है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा सा है। एंड बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि इसको कट कर लो, बट मैं भाई इसको कट नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अपने फिश पॉन्ड की सुंदरता नहीं बढ़ानी, बस मैं इसमें उनको रेज कर रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े मौली फिशेस हैं और इसमें भी कोई एयर पम्प फिल्टर नहीं लगाया क्योंकि देख सकते हो इसमें लोटस भी है, साथ में कैसे ये गप्पी ग्रास है तो इसमें नेचुरली ऑक्सीजन बन जाता है। एंड ये देखो पानी भी क्रिस्टल क्लियर रहता है बिना फिल्टर डाले। तो इसको मैं, ये ड्रम आपको मिल जाएगा 800 तक, और मैं इसको लेके नहीं आया था, तो मेरे घर पर जब मेरा घर बन रहा तभी आया था तो ये ऐसे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना यूज़ कर लिया जाए। तो ये लगभग 600 से 700 में 800 में मिल जाएगा। एंड देख सकते हो ये थोड़ा सा तुम लोग को कटा हुआ दिख रहा होगा ऊपर से ढक्कन, तो बहुत सारी जगह पर पूरा बंद मिलता है, बस यहाँ पर एक होल रहता देख सकते हो ये। तो अगर तुम लोग जाना तो देखना पूरा बंद वाला जो होगा वो ले आना, उससे तुम्हारा फ़ायदा ये होगा अगर तुम लोग इसको हाफ यहाँ से 20 से कट कर दोगे तो वही तुम्हारा 2 पॉन्ड बन जाएगा बड़ा बड़ा, तो ये कर लेना। उसके जस्ट बगल में चलता है हमारा इस फिश पॉन्ड में, तो ये देख सकते हो मैंने थर्माकोल में बना रखा है, थर्माकोल और ये पॉलीशीट बिछा रखा है। तो गैस ये तुम लोग को मिल जाएगा जहाँ पर मछलियाँ मिलती है खाने वाली, वहाँ पे आराम से मिल जाएगा, वहाँ पे बाहर से इंपोर्ट होकर आती है वो मछलियाँ। फिश मार्केट में जाना 50 से 60 रुपये में मिल जाएगा। और ये देख सकते हो कॉइन प्लांट पूरा अच्छे से उगा, ये सब मैं नर्सरी से ले गया था। तो इसमें मैंने वाइल्ड इंडियन रिवर फिशेस रखी हुई है, जैसे जेब्रा डेनियस हो गए, वाइल्ड वाली बार्ब हो गए, वही सब रखा हुआ है इसमें मैंने। इसमें भी कोई एयर पंप फिल्टर नहीं रखा है, एकदम बढ़िया नेचुरल सेटअप बना के रखा है मैंने। ये पॉलीशीट तो कहीं भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगा 50 से 60 रुपये में, छोटा सा बस ला के इसमें लगा देना है और कुछ ऐसा सेटअप बन जाएगा, लगभग 120 रुपये में आपका सेटअप बन जाएगा पॉलीशीट और ये लेके आओ, और अगर पहले से एक चीज़ है तो फिर और कम हो जाएगा। तो चलो इसके जस्ट बगल में चलते हैं, हमारा ये रेफ्रिजरेटर टैंक फिश पॉन्ड, और ये देखने में तुम लोग को लग रहा हो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, बड़ा सा है और मैं कहाँ से लेके आया, तो तुम लोग बता दो भाई सबसे सस्ता यही है मेरे यहाँ पर, जस्ट 20 रुपये में मुझे ये मिल गया था। और ये तुम लोग को मिल जाएगा कबाड़ के शॉप पे, जहाँ कबाड़े लोग सब इकट्ठा करके रखते हैं वहीं पर मिल जाएगा ये, और ज़रूरी नहीं कि वहीं पर मिले, तब ढूंढते रहना, हर कबाड़ शॉप पर नहीं मिलता है क्योंकि ये आता जाता रहता है और ये जो होता है इसको मतलब रिसाइकिल नहीं करते हैं लोग, वैसे इसको रखे रहते तो सस्ते मिल जाता है। एंड इसमें मैंने मौली फिश के फ्राइज रखे हुए थे जो कि अभी एडल्ट होके ब्रीड कर रहे हैं, और मैं इसमें से फ्राइज निकाल निकाल के दूसरे सेटअप में डाल देता हूँ। तो देख सकते हो पूरा नेचुरल ये भी बना हुआ है, सिर्फ इसमें प्लांट्स ही हैं और प्लांट्स के दम पे फिशेस रेज कर रहा हूँ मैं, कोई भी एयर पंप फिल्टर नहीं लगा रखा है। बट गाइस, जितना भी तुम लोग सेटअप देख रहे हो इन सब में जब ठंडी आएगी तो मुझे हीटर लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी विदाउट हीटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती है। प्लांट्स लगा के ऑक्सीजन बना सकते हो प्लांट और एल्गे से, तो फिश तो सरवाइव कर लेगी और पानी भी क्लियर रहता है, देख सकते हो प्लांट लगाने से काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर पूरा बॉटम दिख रहा होगा, ऐसा इकोसिस्टम बन जाता है। लेकिन विदाउट हीटर सरवाइव करना मुश्किल है, तो हीटर लगा लेना। अभी मेरे यहाँ पे गर्मी है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे यहाँ पे अभी गर्मी है, लेकिन जब अभी सितंबर एंड होगा, अक्टूबर नवंबर से हमारे यहाँ पे ठंड होना स्टार्ट हो जाता है, तब मैं इन सभी फिशेस को, मेरा प्लान यही है कि मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा अपने घर के अंदर, वहाँ पे हीटर भी लगा के रखूंगा, तो वो सेटअप बनाना पड़ेगा जल्दी जल्दी, तब मैं दिखाऊंगा ही।
बाकी ये मैं तुम लोग बता दूँ, ये 20 रुपये का ही था, मैं कबाड़ शॉप से लेके आया था, तो वहाँ से तुम लोग ला सकते हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप होगी जहाँ फ्रिज बनता है, तो वहाँ पर फ्रिज बॉक्स को काटा जाता, मतलब इसमें ये फ्रिज बॉक्स है, इसके अंदर फ्रिज था। अब इनको नहीं समझ में आ रहा होगा, उनको फिर से बता दूँ, मतलब फ्रिज का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर फ्रिज पैक हो गया था, ये फ्रिज का ही बॉक्स है, जो फ्रिज का प्लास्टिक होता है वो निकाल लिया जाता है, और इसके अंदर से ये ऐसा थर्माकोल टाइप का निकलता है, इसको फेंक दिया जाता है, यूज़ में नहीं आता है, तो इसको मैं जस्ट 20 रुपये में ले आया था, और इतना बड़ा सेटअप बन गया पूरा। तो ऐसे में तुम लोग चाहो तो गोल्ड फिश, कोई कार, कोई भी फिश पाल सकते हो। अगर जैसे गोल्ड फिश वैरायटी में जाओगे तो एयर पंप लगाना पड़ सकता है, जैसे तो इतना बड़ा है, तो अगर तुम लोग इसमें 10 गोल्ड फिश रखोगे तो एयर पंप लगाना नहीं पड़ेगा, बस प्लांट के नाम पर थोड़ा मनी प्लांट लगा देना है, और जैसे कॉइन प्लांट हो गया, दिख रहे होगे बड़े बड़े, ये लगा दोगे तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बस 20 रुपये में ये मस्त सा सेटअप बन गया। अब चलते इसके जस्ट बगल में, तो देख सकते हो ये मैंने बना रखा थर्माकोल में, जैसे कि मैं बता दिया कि थर्माकोल तुम लोग को मिल जाएगा फिश मार्केट में, तो इसमें मैंने देखो सीमेंट ला कर रखा हुआ, एकदम बढ़िया सा सीमेंट लगवा, एंड इसके अंदर छोटे छोटे मौली फिश के फ्राइज है, ये इन्हीं फिशेस के फ्राइज है जो कि रुपये में रख के रेस करा रहा हूँ, काफ़ी सारे से दिख नहीं रहेंगे बट प्लांट के अंदर सब छुपे हुए हैं, तो प्लांट और ये ऐसा एलगी, ये नेचुरली हो जाता है गैस सनलाइट के कारण, तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है, फिशेस इसको खाती हैं, इसमें छुपती हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ये पूरा इन्वायरमेंट बन जाता है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये तुम लोग को मिल जाएगा 50 से 60 रुपये बॉक्स, और अगर इसके अंदर तुम लोग सीमेंट लगाते हो तो सीमेंट का कॉस्ट पड़ेगा 20 से 30 रुपये, 10 रुपये किलो मिलता है, तो 20 से 30 रुपये में ले लेना सीमेंट, और थोड़ा सा सैंड और मोरंग जो भी होता है वो सब मिला के पूरा अच्छे से पेस्ट बना के तब लगा देना, तो और ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो ये हो गया आपका लगभग 50-60 रुपये का ये बॉक्स मिल जाएगा, एंड 30 रुपये का सीमेंट में काम हो जाएगा, बाकी ये 20 रुपये का हो गया, ये भी लगभग 120 रुपये का हो गया, अगर इसमें पॉली सीट आपके घर में पहले से है तो और सस्ता हो जाएगा, बाकी ये ड्रम तो लोगों को 700 से 800 रुपये में मिल जाएगा, और ये टब सेटअप तो 100 रुपये में पूरा बना हुआ है, काफ़ी चीप है। फिर चलते हमारे दूसरे टैंक की तरफ जो कि सबसे बड़ा फिश पॉन्ड है हमारा, तो ये गाइस हमारा जैपनीज कोई कार्प का फिश पॉन्ड है, एंड मैंने इसको बनाया है, मतलब ये मैं लेके आया था 150 रुपये का, क्योंकि अभी तुम लोग बता दो कि ये 150 रुपये का क्यों पड़ा, उधर भी एक फिश पॉन्ड था वो 20 रुपये का मिला, वो भी फ्रिज बॉक्स था, ये भी फ्रिज बॉक्स ही है, और ये मुझे 150 का इसलिए पड़ा बिकॉज देख सकते हो इसके अंदर ये प्लास्टिक लगा हुआ है, तो ये प्लास्टिक निकला नहीं हुआ, अगर ये लोग कबाड़ वाले लोग इसको निकाल लेते हैं एंड थर्माकोल छोड़ देते हैं तो प्लास्टिक नहीं निकला, इसके कारण मुझे 150 रुपये में पड़ा प्लास्टिक, अभी कॉस्ट पड़ गया मुझे। और गाइस प्लास्टिक लेने से एक फ़ायदा ये है कि दिखने में तो सुंदर लगता है, ये साथ में एक मजबूत भी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, बाकी देख सकते हो, और मैंने इसमें वाटर लिली लगा रखा है, ये तो भी मैं वाइल्ड में से लेके आया था, एंड मैंने ये एक DIY फिल्टर बनाया है, तो उसका तो अलग ही कॉस्ट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर एक मोटर लगा रखा है जो कि मुझे पड़ा था लगभग 130 रुपये का, पाइप मुझे पड़ा था 6 रुपये मीटर करके, और ये बकेट मैंने घर पे से ही लिया है, पाइप मेरे पास पहले से ही था, बाकी जो स्पंज में लेके आया था 120 रुपये का स्पंज था, इसके अंदर स्पंज भी मैंने लगा रखा है, तो इतने में ये बन गया लगभग 250 से 300 तक के अंदर आपका पूरा फिल्टर बन जाएगा। और अगर तुम लोग जाओगे लेने दुकान पर तो फिल्टर काफ़ी महंगा आएगा और काम भी नहीं करेगा, जो पावर हेड फिल्टर होते हैं इतना अच्छा काम नहीं करेगा इतने बड़े फिश पॉन्ड में, तो DIY बनाना पड़ेगा। फिर कैनिस्टर फिल्टर लो, कैनिस्टर फिल्टर भी गाइस लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये मिलता है, तो उससे अच्छा रहेगा कि घर पे DIY बना लेना। एंड मैंने इसको कैसे बनाया था इसका वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड किया हुआ है, चलो अभी तो ये बंद है फिलहाल, अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो देख सकते हो गाइस हमारा फिल्टर चालू हो चुका है, तो नीचे मैंने पंप लगा रखा, वहीं से पानी आके ये पाइप से इसके अंदर जा रहा है और फिल्टर होके इस पाइप से निकल जा रहा है बाहर, तो ऐसा कुछ हमारा सेटअप। और ये मुझे पड़ा था 150 रुपये का, थोड़ा बहुत लीकेज हर उसमें होता है, तो मैंने इसमें MCL लगा लिया था, MCL लगभग आपको 10 रुपये मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा लीकेज हो 10-20 रुपये में MCL मिला के पूरा हो जाएगा। एंड मेरे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो मैंने यहाँ से थोड़ा लीक हो रहा था, यहाँ मैंने पहले MCL लगाया हुआ था पर मेरे पास सीमेंट बच गया था, तो मैंने सोचा इसमें लगा दूँ, तो देखो मैंने सीमेंट भी लगा दिया यहाँ पर, मतलब इसको लगाने को जरूरत थी नहीं बट मेरे पास ज़्यादा था, तो मैंने इसमें लगा के एकदम अच्छे से भर दिया है और मजबूत कर दिया। तो ये हो गया आपका सेटअप 150 रुपये का, फिल्टर आपका 350 के अंदर बन जाएगा, तो काफ़ी चीप सेटअप बना रखा है मैंने, एकदम काफ़ी सस्ता सुंदर टिकाऊ। और फिशेस भी देख सकते हो उसमें काफ़ी सारे जैपनीज कोई कार्प, लगभग मैंने 10 फिशेस पाल रखे हैं इसके अंदर, तो वाटर लीली का प्लांट भी लगा रखा है, तो ऑक्सीजन भी मिलता है एंड ऑक्सीजन ये भी क्रिएट कर देता है, साथ में फिल्टर भी करता है, क्योंकि देखो जब पानी यहाँ से गिरता है तो इसके अंदर हलचल होती है, बबल भी बनता है, तो इससे ऑक्सीजन तो बन ही जाता है, साथ में फ़िल्टर भी पानी वाला, तो एक चीज़ से मतलब मैंने दो दो काम करा लिया। बाकी प्लांट भी है तो सुंदर भी दिखता है, नेचुरल पूरा लुक देता है और अपने फिश पॉन्ड को भी अच्छा लुक दिखाता है। अभी तुम लोगों को मैं इसको फीड करके दिखाता हूँ फिशेज को। तो गाइस ये ऑप्टिमम के पैलेट से मैं इनको यही फीड करता हूँ, कोई कार्प वाला अलग भी आता है पैलेट जो कि थोड़े बड़े बड़े साइज़ में होते हैं 4 mm 6 mm, तो ये भी फीड कर देता हूँ मैं, ये फिश फीड लेके आया था, ये सस्ता पड़ता तो मैं यही ले आया था, एंड इसको भी फीड कर सकते, ये भी काफ़ी अच्छा देता है ग्रोथ इनका,
चाहो तो दूसरा भी तुम लोग कर सकते हो, कोई कार का अलग ही आता भी है फीडबैक पे, जैसे मैंने डाला तुरंत आ गया था भी। एंड तुम लोग इनका कलर देख सकते हो काफ़ी सुंदर, इसमें कुछ थोड़े बहुत नॉर्मल कार्स भी हैं, जैसे ये देखो ये नॉर्मल वाला मेरे पास पहले से था, बाकी कुछ जैपनीज कार्स हैं जो कि तुम लोग को पता चल ही रहा होगा, जैसे कि ये देख सकते हो ब्लू कलर में दिख रहा है, जिसके बगल में रेड है, और ये वाला बड़ा वाला भी, और इधर गोल्डन में खड़ा दिख रहा होगा, ये सब जैपनीज कार्स हैं। तो देख सकते हो इसमें एक सबसे बड़ा सा जैपनीज कार है जो कि ये देखो इधर दिख रहा होगा। तो ये लो अपने आप को फीड कर लेते हैं, और चलो बाकी गाइस मैं अदर टैंक्स में फीड कर देता हूँ। एंड नीचे हमारा सिकलेट टैंक का बहुत दिनों से अपडेट नहीं दिया था, चलो वो भी दे देता हूँ मेरे पास। और एक्वेरियम भी है, तो एक मेरे पास एक फिश पॉन्ड ये है, और ये हो गया एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, तो मेरे पास सिक्स फिश पॉन्ड है। एंड गाइस अभी एक और फिश पॉन्ड बन ही रहा है, अभी उसमें सीमेंट लगा के रखा हुआ है, बहुत जल्दी आ जाएगा चैनल पर, तो टोटल मिला के मेरे पास 7 फिश पॉन्ड हो जाएंगे। और मेरे पास पहले से 3 टैंक भी हैं, 3 एक्वेरियम भी हैं, 1 बाउल भी है। तो बहुत सारे लोग, मतलब जब मेरा ये वाला वीडियो वायरल हुआ था ड्रम वाला, तो बहुत सारे लोग कहते भाई एक्वेरियम ले ले, तो भाई उनको मैं बता दूं यार मेरे पास ऑलरेडी एक्वेरियम भी है, साथ में इतने सारे फिश पॉन्ड भी हैं और आते जा रहे धीरे धीरे, मतलब सिर्फ फिश पॉन्ड ही नहीं मैं एक्वेरियम भी लाऊंगा, और फिश पॉन्ड तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, क्योंकि फिश पॉन्ड बनाने का ना फायदा बहुत होता है, केयर कम करना पड़ता है, फिशेज ज़्यादा ब्रीड होती है। अब तुम लोग एक्वेरियम में ब्रीड करोगे तो बहुत, मतलब उतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं मिलेगी और इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा जितना तुम लोग ऐसे नेचुरल में फेंक के चले जाओगे फिश को। थोड़ा सा ही केयर करना है, फीड डाल देना है बस, और वाटर चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती गाइस, मैं इसमें वाटर चेंज करता ही नहीं हूँ, मतलब सब कुछ इको सिस्टम बन जाएगा जब आपका फिश पॉन्ड मेच्योर हो जाएगा, काफी दिन हो जाएंगे जब उसमें एल्गल जमना शुरू हो जाएगा, मतलब आपका फिश पॉन्ड मेच्योर हो चुका है, वाटर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ नेचुरली हो जाता है, बस जब वाटर का लेवल कम होता है उस टाइम पे आप वाटर फिल कर दो, इससे वाटर चेंज भी एक तरीके से मान लो नया वाटर भी आ जाता है और सब कुछ ओल्ड भी रहता है, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी कुछ नहीं होता है, एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है जिससे फिशेज को भी कुछ नहीं होता है और नेचुरली इसमें रह जाती हैं। चलो इन सबको फीड भी करते हैं, अभी देखना कैसे लोग फीड करते हैं। सो गाइस मैंने पैलेट्स ले लिया है, एंड तुम लोग बता दो ये फिश फीड अभी अनरिलीज है, तो कोई मत पूछना भाई ये क्या है, ये अभी मार्केट में नहीं आया, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। तो मैं ये फीड करता हूँ अपनी छोटी फिशेस को, बाकी बड़ी फिशेस को वो ऑप्टिमम वाला पैलेट फीड करता हूँ, पहले मैं इनको ऑप्टिमम भी पैलेट फीड करता था, पर जब से मेरे पास आया तो मैं इसको टेस्ट ही कर रहा हूँ। एंड देख सकते हो जैसे मैं डाला तुरंत लोग सब खाने आ गए, बाकी तुम लोग देख सकते हो नीचे हमारा ये रेड कलर का दिख रहा है, ये शॉर्ट टेल फिशेस का टेल देख सकते हो पीछे कितना अच्छा निकला हुआ है, और इसमें मौली फिशेस है, नॉर्मल मौली फिश, एक बैलून मौली फिश भी है, और देख सकते हो तुरंत कैसे खा रहे हैं, इनका ग्रोथ कितना अच्छा आ रहा है ये फीड खिलाने से। बाकी अभी तुम लोगों को चलो अपने वाइल्ड इंडियन रिवर फिशेस को खिलाता हूँ, फीड करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारा वाइल्ड इंडियन रिवर फिश टैंक, अभी इन पर फीड डाल दिया हूँ, देखो जैसे मैंने फीड डाला तुरंत खाने आ गए फिश, दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन देख सकते हो हलचल हो रही ना, तो ये फिश आ रहे हैं फीड करने, और इसमें बहुत बड़े बड़े से बार्ब फिशेस हैं, इंडियन रिवर बार्ब, जिसमें जो स्पॉट होता है वही वाले फिशेस हैं इसमें, बाकी डेनियोस हैं, जेबरा डेनियोस वाइल्ड वाले। तो चलो यहाँ से हट जाते हैं, अब बारी है इधर मौली फिश और प्लैटी फिशेस को फीड करने की, तो चलो इनको भी जल्दी से फीड कर देते हैं। तो मैंने गाइस यहाँ पे थोड़ा सा फिश फीड ले लिया है, अब मैं डाल देता हूँ, अभी लोग भी आ जाएंगे खाने, अभी सब छुपे हुए हैं प्लांट्स के अंदर, अभी जैसे इनको पता चलेगा कि फीड डाल दिया गया है तो इन लोग फीड खाने तुरंत आ जाएंगे। तो ये देख सकते हो एक मौली फिश का बच्चा खाने आ चुका, अभी सेमी एडल्ट है, साइज अच्छी बढ़ रही है इसकी, तो इसमें मेल फीमेल सब कुछ है, मतलब मैंने इसमें सिर्फ फ्राइज छोड़ा था, जो तुम लोग देख रहे हैं बड़े मौली फिश ये सब फ्राइज थे, अभी ये बड़े होकर खुद बर्थ दे रहे हैं, और इनके फ्राइज मैंने इसमें रखा हुआ है, तो इनको भी फीड कर देते हैं जल्दी से। इसमें भी प्लैटी फिश, मौली फिश ब्लैक और वाइट और प्लैटी फिश के बच्चे हैं, चलो इनको भी फीड डालते हैं। एंड देख सकते हो यहाँ पर सभी फिश मौली फिशेस आ चुके खाने, और रेड वाली जो दिख रही है वो प्लैटी फिशेस हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा है, और मैं अभी इनको ही कल्चर कर रहा हूँ मौली फिशेस को। तो जो भी भाई लोग लखनऊ से होंगे जिनको ख़रीदना होगा मेरे को बता देना, एक बार इंस्टा पे DM कर लेना, मैं सेल कर दूंगा, बस थोड़ा सा अभी स्टॉक बनने दो, ये सब बड़े हो जाने दो, देन मैं मौली फिश को सेल करने वाला हूँ, मौली और प्लैटी फिशेस को, क्योंकि अभी मेरे पास फ़िलहाल यही है। गप्पी फिश का अभी स्टॉक इतना अच्छा है नहीं मेरे पास, गप्पी फिश मर गई हैं मेरी, आधे से ज़्यादा मर चुकी हैं, बाकी टैंक में ही हैं जो गप्पी फिश भाई हैं, उनका ही थोड़ा बहुत उन्होंने ब्रीड भी किया, 4-5 बच्चे ही उनके हैं, बाकी और एडल्ट हैं। तो अभी मैं गप्पी फिश लाऊंगा, और हो सके तो थोड़ा एग्जॉटिक गप्पी भी लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल गप्पी फिश के लिए सबसे बढ़िया मौसम होता है गर्मी का, मतलब मार्च के साइड में लाओ ज़्यादा तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं अभी लेके आऊंगा ही अगर मिल जाते हैं तो चलो इनको जल्दी से फीड करते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे पैलेट्स ले लिया है, अभी मैं इनको फीड करता हूँ, देख सकते हो ऊपर ही आ गए सभी फ्राइज, और ये देखो तुरंत खाने आ गए, एंड ये काफ़ी अच्छा साइन है जब फिश के फ्राइज खाने हैं फिश फीड, तो इसका मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है, एंड ये फिश फीड ले रहे हैं,
और इस तरीके से इनका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा। बाकी एल्गे और बैक्टीरिया तो है ही इसमें इनको ग्रोथ के लिए। तो चलो यहाँ से हट जाते हैं, अभी चलते हैं हमारे नीचे टैंक्स की तरफ, वहाँ भी फीड करना है। मैंने बहुत दिन से सिगलेट फिश का टैंक का अपडेट नहीं दिया, तो चलो उनका भी अपडेट दे देता हूँ। तो गाइस ये है हमारा गप्पे फिश का टैंक सेटअप, एंड इसके जस्ट बगल में फीमेल बेटा का टैंक सेटअप, एंड इसमें मैंने ज़्यादा लाइटनिंग दे रखी, इधर कम लाइटनिंग, बिकॉज एक लाइट मतलब जो मेरा लाइट है इसमें ट्यूब लाइट, ये थोड़ा सा खराब हो चुका है, तो इधर नहीं जलता इधर जलता है, तो मेरे इसमें ज़्यादा प्लांट है इसलिए मैं थोड़ा सा इसी में लाइट दे दूँ। एंड देख सकते हो ये हमारी गप्पे फिश का मेल, देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर आया, एक टाइम था जब ये खुद फ्राई हुआ करते थे, अभी ये लोग बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं पूरे, और इन लोगों ने ब्रीड भी किया, इसमें भी दिखाता था, तो लोग छोटे छोटे फ्राई देख सकते हो, ये इधर यहाँ पे फ्राई घूम रहा था, ये देख सकते हो ये नीचे, और इसके टेल पे भी कलर आना शुरू कर दिया, देख रहे होगा ब्लैक इस कलर, तो इस पर भी धीरे धीरे टेल पे कलर आ रहा है। एंड आई डोंट नो ये मेल है या फीमेल, कुछ दिन में पता चल जाएगा। इसमें कम से कम 5 से 6 फ्राइज थे, एंड अच्छा इको सिस्टम होने के कारण गाइस इन्होंने अपने फ्राइज को भी नहीं खाया, नहीं कि साथ साथ बड़े हो रहे, देख सकते हो ये देखो एक फ्राई यहाँ पर है। एंड इसमें सिर्फ गप्पी फिशेज ही नहीं, एक शॉर्टेल फिश है, देख सकते हो पीछे शॉर्टेल, ये बैलून मॉली है, और एक फ्लैटी फिश भी है। तो ये ऐसा कुछ सेटअप है हमारा। एंड प्लांट्स देख सकते हो, जावा फंड काफ़ी हरा भरा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने एक स्पंज फिल्टर लगा रखा है जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया भर के होगा। एंड देख सकते हो थोड़ी गंदगी तो इसमें बैठी गई, अच्छा सक कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। एंड ये वाला प्लांट थोड़े बहुत इसके लीफ डेड होते जा रहे हैं, बट फिर भी प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है। एंड मैंने इसमें फ्रॉग बीट लगा रखा है देख सकते हो ऊपर से, तो ये लोग को थोड़ा, ये थोड़ा अमोनिया और नाइट्रेट को सक करता है, एंड ऑक्सीजन तो क्रिएट करता ही, अगर मैं इसमें से स्पंज फिल्टर निकाल दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पानी एकदम हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहता है बिना फिल्टर के भी। मैंने ऐसे लगा रखा था, मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा लगा दूँ उसमें। एंड इसमें मैंने पीछे यहाँ पर ये भी लगा रखा है मनी प्लांट, जिससे इसका नाइट्रेट और अमोनिया सक कर लेता है और काफ़ी अच्छा ऑक्सीजन बनाता है। बाकी इधर देख सकते हो तो ये अमेजॉन सॉर्ट का प्लांट था जो कि ऊपर से डेड हो रहा था, बट नीचे देखो नए नए प्लांट्स और आ रहे हैं नीचे से लीफ। एंड ये देखो प्लांट के बीच में छुपा हुआ हमारा सॉर्ट टेल, तो कुछ ऐसा है सेटअप हमारा। एंड तुम लोग देख सकते हो तो गप्पी फिश के कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर आए हुए हैं, ब्लैक कलर में दिख रहा होगा टेल, फोकस नहीं हो रहा, अभी थोड़ा दिखाता हूँ फोकस करके, तो ये, और ये फीमेल है देख सकते हो, चेस कर रहा है फीमेल, मेल फीमेल को, तो उसमें भी और इसमें फ्राई देखने को मिलेंगे। बाकी इधर है हमारे कुछ गप्पीज, तो ऐसा कुछ सेटअप बना रखा मैंने ये 1 फीट के टैंक में। एंड ये टैंक मैंने बनवाया था लगभग 350 से 450 रुपये, और ये जो लोगों को दिख रहा होगा मुझे इसका प्राइस तो नहीं पता है, क्योंकि ये शीशा मेरे घर पे पहले से था ये ग्लास, एंड मैंने इसको गाइस घर पे अपने आप से बनाया अपने हाथों से। तो मुझे जो इसका सिलिकॉन पड़ा था वो पड़ा था 350 रुपये का, और मैं सिलिकॉन गन नहीं लाया था, अगर सिलिकॉन गन लेके आता है तो 150 रुपये का पड़ता, मतलब सिलिकॉन पे पड़ता, सिलिकॉन चलाने वाला जो गन होता है ये मैं समझ लेना सिर्फ 150 रुपये में काम हो जाएगा, 300 रुपये सिलिकॉन का रख लो, 350 रुपये, बाकी 150 रुपये गन का, तो मैं गन नहीं लाया था, मैंने किसी जुगाड़ की मदद से सिलिकॉन को निकाला था। एंड देख सकते हो इसमें फीमेल बैठा, फिर से मैं अभी लाइट खींच के दिखाता हूँ, तो अभी तुम लोग को दिख जाएगा हाइडिंग स्पेस काफ़ी देख सकते हो, बल्कि इसने इसमें बबल नेस्ट भी बना रखा है, तो ये देखो बबल नेस्ट के पास ही है, नीचे से दिखाता हूँ, तो गैस ये अपने बबल नेस्ट के नीचे दिख नहीं रही है। एंड चलो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, एंड अभी मैंने इनको भी फीड नहीं किया, तो चलो पहले इनको मैं फीड करके दिखाता हूँ, मैं इनको वही फीड खिलाता हूँ जो अभी अनरिलीज्ड अभी मार्केट में नहीं आया, क्योंकि छोटे पैलेट्स हैं, मिनी पैलेट्स हैं, खासकर छोटे फिशेस के लिए ही बना हुआ है, तो चलो इनको फीड करते हैं। सो मैंने कैसे यहाँ पे फूड ले लिया एंड थोड़ा बहुत क्रश कर दिया, क्योंकि इसमें छोटे छोटे फ्राइज भी हैं, तो चलो इनको मैं फीड कर देता हूँ अभी। एंड देख सकते हो आ चुके हैं, एंड मैंने अभी फिल्टर बंद कर दिया है ताकि फिश इधर उधर फीड जाए ना और फिशेस आराम से खा सके। एंड देख सकते हो ये फिश का फ्राई कैसे खा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। एंड ये सभी फिशेस खाने लग गई हैं, एंड अपने बेटा फिश को भी डाल देते हैं, फीमेल बेटा फिश को, वो भी खा लेगी अभी, तो इधर अपने बबल नेस्ट के पास से फिर डाल देता हूँ, अभी धीरे धीरे करके आ जाएगी, जिसको पता चलेगा कि इसमें फीड डाल दिया है तो खुद ही आ जाएगी खाने, भी नीचे की तरफ गई है, तो उनको ऐसे छोड़ देते हैं। एंड अभी चलता हूँ मैं अपने सिगलेट फिश के टैंक सेटअप की तरफ, अभी उनको भी फीड करना है। तो गाइस ये हमारा सिगलेट फिश का टैंक सेटअप, एंड देख सकते हो थोड़ा सा पानी तो लोगों को धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा फिल्टर इसका क्लीन किया है, और इसमें देख सकते हो ये हमारा पास एक पोलर पैरेट है, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा है थोड़ा बहुत ग्लास। एंड नीचे यहाँ पे एक ब्लू कलर का सिगलेट है, बाकी इसमें जो हमारे पास एक और सिगलेट था येलो कलर का, एंड एक पोलर पैरेट थी, तो वो गाइस पहले ही मर चुकी थी, एंड जो येलो कलर का सिगलेट था वो भी मर गया, तो इसमें जो ब्लू कलर की सिगलेट फिश है उसी ने ही मारा है गाइस। एंड अभी बहुत जल्द मैं न्यू सिगलेट फिश लेके आऊँगा, न्यू सिगलेट फिश एंड पोलर पैरेट, एंड हो सके तो ऑस्कर मिल जाए तो ऑस्कर फिश भी लेके आऊँगा, बट उस टाइम पर गाइस मैं इसमें जो हमारी ब्लू कलर की सिगलेट उसको निकाल दूँगा गाइस, वो काफ़ी देर फिर उसको मार चुकी है, तो मैं इस सिगलेट फिश को निकाल के शिफ्ट कर दूँगा अपने वाइल्ड इंडिया रिवर फिश के टैंक में। अब मुझे नहीं पता कि ये उनको मारती है या वो इसको मार देते हैं, तो ये मैंने हाथ में फीड ले लिया, ऑप्टिमम का पैलेट्स ही है जो मैं कोई कार को देता हूँ डाल देता हूँ,
तो मैंने डाल दिया। अभी इन लोग को जैसे पता चले लोग खुद खाने आ जाएंगी। अभी मैंने वाटर मतलब फिल्टर थोड़ा साफ किया तो इन लोग डर रही हैं, बाकी जैसे इनको पता चलेगा तुरंत लोग खाने आ जाएंगी। तो मेरे इस टैंक में टोटल 2 फिशेस हैं, एक सिकलेट फिश है और एक पोलर पैरेट है। और मैं इसमें जो लेके आया था अपने ऑस्कर, उसको ये ब्लू सिकलेट ने मार दिया था, देख सकते हो आ गए फीड खाने। तो मैं इसमें 4 ऑस्कर फिश डाला था, वो भी मर चुके हैं 4 बार, मतलब लगभग एक बार पहले पेयर लाया था, उसके बाद फिर एक पेयर लेके आया था तो सबको इसने मार डाला था। एंड एक येलो कलर की सिकलेट फिश थी उसको भी इसने मार दिया, और इस ब्लू कलर की भी एक सिकलेट फिश थी जो इसके साथ लेके आया था उसको भी इसने मार दिया था। साथ में जो पोलर पैरेट है हमारी उसका भी एक पेयर था उसको भी इसने मार दिया। तो अब मैं फिर से नेक्स्ट टाइम एक और लेके आऊँगा फिर से फिशेस सिकलेट कम्युनिटी के ही, तब मैं इस सिकलेट फिश को निकाल लूँगा। एंड गाइस ये हमारी कुकी, तुम लोग जानते होगे सेंट बर्नार्ड पपी हमारी, और इसको भी मैं वैक्सीनेशन के लिए ले गया था, तब मैंने इसका वेट नापा था तो ये लगभग 5 किलो 700 ग्राम की हो चुकी है। एंड जब मैं जिस दिन लेके आया था उस दिन ये 3 kg की थी, तो लगभग 2 kg वेट और बढ़ चुका है। एंड देख सकते हो अभी 2 मंथ की हो चुकी है, बड़ी दिख रही होगी आपको और तेज़ी से बढ़ रही है। तो अभी इसको एक सिरप पिलाना है, वहाँ पे डॉक्टर ने लिखा था तो वो सिरप पिलाना पड़ेगा इसको। अभी जल्दी से इसको पिलाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यही वो सिरप है, इसको पिलाना है अभी मुझे, तो पिला लेते हैं जल्दी से। सो गाइस हमारी कुकी ने अच्छे से दवाई पी लिया है, और यही कुछ अपडेट था। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है तो वहाँ जरूर से फॉलो कर लेना, कुछ भी पूछने के लिए यार कोई भी अपडेट पाने के लिए तो वहाँ पे फॉलो जरूर से कर लेना। मिलते हैं फिर किसी मस्त से ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।